बड़वा के पास बलवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीआईएसएफ के फायरिंग रेंज के समीप एक खेत में विस्फोट हो गया था। इसमें 12 वर्षीय बालक रोहित की मौके पर ही मौत हो गई थी और मोहन गंभीर घायल हुआ था। मोहन की भी एमवाई अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बलवाड़ा थाना क्षेत्र में हुए बम विस्फोट की जांच करने के लिए मंगलवार को इंदौर से विशेष बम स्क्वाड टीम जांच के लिए पहुंची। स्क्वाड में शामिल इंदौर के सब इंस्पेक्टर भागवत प्रसाद ने बताया कि घटना सीआईएसएफ फायरिंग रेंज के समीप हुई है। घटना स्थल से थोड़ी दूर बम का अवशेष मिला है। अधिकारियों ने बताया कि सीआईएसएफ का कोई बम मिसयूज हो गया होगा, जिसे बच्चा उठाकर लाया था, इसमें विस्फोट हुआ है। बम के अवशेषों को लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। देखने में आया है कि अपना सीआईएसएफ का जो फायरिंग रेंज हमें यहीं पे पास में ही है, करीब 100-200 मीटर पर फायरिंग रेंज है। संभवतः यहीं से कोई जो मिस फायर बॉम्ब या ग्रेनेड उठा लाया होगा, और जो कि मिस होने के कारण ये उसके हाथ में रहा, या हो सकता है किसी प्रकार की उसमें हरकत हुई है और उसमें एक्सप्लोड हो गया। अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, अभी सैंपल्स इकट्ठे किए हैं जिनको फॉरेंसिक लैब सागर भेजा जाएगा, जांच के दौरान ही पता लगेगा।